सकती है। वायनाड से सांसद का चुनाव जीते राहुल गांधी ने वो सीट खाली कर दी है। अब उसी सीट पर हो रहे उपचुनाव में उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। वायनाड में आज नामांकन से पहले प्रियंका ने रोड शो किया और जनता से भावुक अपील भी की। वायनाड से बीजेपी प्रत्याशी भी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। वायनाड से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वायनाड में नामांकन से पहले रोड शो में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ उनके भाई राहुल गांधी और पति रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद थे। राहुल गांधी के वायनाड सीट खाली करने के बाद अब प्रियंका गांधी उपचुनाव में जीत का दम भर रही हैं। लंबे चौड़े रोड शो के बाद प्रियंका गांधी ने नामांकन कर दिया। अभी तक वायनाड में भाई राहुल गांधी के लिए वोट मांगने आ रही प्रियंका गांधी ने पहली बार अपने लिए वोट मांगा तो भाई राहुल ने वायनाड से दो दो सांसद का वादा कर दिया। That it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. Yes, it's the first time that I am campaigning for your support for myself. I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has two members of parliament. One is the official member of parliament and the other is the unofficial member of parliament. एक तरफ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वायनाड की जनता से इमोशनल अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वायनाड से बीजेपी प्रत्याशी नव्या हरिदास के अभियान की शुरुआत भी कर चुकी हैं। और जिस समय प्रियंका गांधी रोड शो कर रही थी उस समय नव्या हरिदास डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। वी आर गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक। वी स्टार्टेड द कैंपेन 3 days बैक विद अ रोड शो। ऑल आर गेटिंग वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स नॉट ओनली द भारतीय जनता पार्टी वर्कर्स बट द अदर पब्लिक इज ऑल्सो वेलकमिंग वेरी वार्मली। शी इज स्टार्टिंग हर कैंपेन टूडे। आई थिंक शी केम विद अ फैमिली। We have already started 3 days back and the campaigning is going in full-fledged. Tomorrow I'm filing the nomination on 24th, 12 PM. बात अगर गांधी परिवार की करें तो प्रियंका गांधी परिवार की 10वीं सदस्य हैं जो चुनावी समर में कूद रही हैं। प्रियंका चुनाव लड़ने वाली गांधी परिवार की 4थी महिला सदस्य हैं। दक्षिण भारत से चुनाव लड़ने वाली वो गांधी परिवार की 4थी सदस्य हैं। 1978 में जनता पार्टी शासन में इंदिरा गांधी ने कर्नाटक के चिकमंगलूर से चुनाव लड़ा और जीता था। 1999 चुनाव में सोनिया गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव लड़ा और जीता था। 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड और अमेठी दोनों से चुनाव लड़ा। अमेठी हारे और वायनाड जीते थे राहुल। दक्षिण भारत से सियासी सफर की शुरुआत करने वाली सोनिया गांधी के बाद वो परिवार की दूसरी सदस्य हैं। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीते भी थे। बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी थी जिस पर अब प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशी हैं।